ज्ञानतिम्रान्दश मिलितं चक्षुर्नुमिलितं तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितम् इन भूतले स्वयं रूपः कदामयं दाती स्वदांतिकम वन्दे अहम श्री गुरु श्री उत्पदकमलम श्री गुरु नमो वैष्णवाश्च श्री रूपम सागरजातम सहगण ललिता श्री विशाखानविताश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे जय गोपाल प्रिय भाई बहन प्रिय श्रोतागण सत्संग प्रेमी जनों स्वागत है आपका हार्दिक श्रीमद भागवत गीता की सत्संग समारोह में पहारिये और मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कीजिए ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी ओ शान्ति शांति शांति सुशांति भक्त जय गोपाल ग्रंथरा श्रीमद भागवत गीता सभी को आनंद प्रदान करने वाली सच्चे मार्ग पर ले जाने वाली भगवान से मिला देने वाली भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुखा, मुख से निस, निस, निकली हुई वाणी है निष्कासित हुई है या स्वयं पद्मनाभ मुख पदमा दुनिया सत्ता निश्रित होने वाली बात भगवान के मुखार से ज्ञान के फूल झड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जिनका पान कर रहा है और अर्जुन के माध्यम से अर्जुन की जिज्ञासा भरे प्रश्नों से ये सभी संसार को भागवत गीता का ज्ञान मिला है आइए श्रीमद भागवत गीता के अध्याय में अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हुए कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन यदि कोई बुरे कर्म करने वाला प्राणी भी दुष्कृतिनों जो बुरे कर्म करता है पाप कर्म करता है पाप कर्मों में उलझा हुआ प्राणी है वो व्यक्ति भी किसी मेरे शुद्ध भक्त की शरण में आके मुझे जानने का प्रयास करे और मेरा भजन करे तो वह भी मुझे प्राप्त कर लेता है और वह साधु है उसको साधु कहना चाहिए पापी या छोटा नहीं कहना चाहिए या बुद्धिहीन नहीं कहना चाहिए साधु साधु रेव मंतव्य साधु के समानी उसको समझना चाहिए जो मेरे भजन में लग गया है दुष्कृतनों चाहे भले ही उसके काम अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं बुरे कामों में उलझा हुआ है चोर है चोरी कर रहा है डाका है डाका डाल रहा है डाकू बेईमान बेईमानी कर रहा है रिश्वत लेने वाला रिश्वत ले रहा है फिर भी यदि वह मेरी सेवा में मेरे भजन में मेरे ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह भी साधु कहलाने का हकदार है उसे भी साधु कहना चाहिए वो साधना कर रहा है साधना करते करते एक दिन इसके बुरे काम गिर जाएंगे और अच्छे काम करने लगेगा बुरे विचार गिर जाएंगे अच्छे विचारों से जीवन जीने लगेगा क्षिप्रम बहुति धर्मात्मा शश्व शांति निगत कौन ते प्रति जानी ही नक्ता भक्ता छती यदि कोई दुराचारी भी भगवान का भजन करता है कोई लेस इंटेलिजेंस और लेस इंटेलिजेंस वूमेन और प्रास्टिट्यूट वैश्या और कोई व्यापार में फंसा हुआ उधेड़ बुन में लगा हुआ रात दिन पैसे गिनता हुआ भी व्यक्ति मेरे भजन ध्यान में लग जाता है मुझे नहीं भुलाता अपनी दिनचर्या में तो वह भी मुझे प्राप्त करता है अभ्यास से साधना से साधन साधन भक्ति क्या है यह ऐसे ही लोगों के लिए है भक्ति के तीन दर्जे शास्त्र में रूप गोस्वामी महाराज भक्ति रसाम सिंधु में विस्तार से वर्णन करते हैं कि तीन प्रकार की भक्ति होती है इसमें एक साधन भक्ति होती है, भक्त है साधना में लगता है गुरु के चरणों में प्रणाम करता है तिलक निकालता है माला धारण करता है जप करता है सुबह जल्दी उठता है गुरु जो जो आदेश करता है वो सब पालन करता है साधना करता है अभ्यास करता है मंत्र जब करता है हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरिहरी हरि राम हरि राम 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 हरिहरी जो भी उनका गुरु मंत्र दे भगवान के मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय श्री राम का मंत्र श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम इत्यादि श्री कृष्ण शरणम ममहा ओम भूर्भुआ स्वाहा तत् भर्गो भरगोदेव धीमहि धियो यो नहा प्रचोदया ये सब उस परमेश्वर के मंत्र हैं इनमें परमेश्वर की प्रार्थनाएं हैं उनको रिझाने के मंत्र हैं साधन भक्ति है दूसरे दर्जे पर भाव भक्ति है साधना करते करने, करते करते और भक्त के भाव खिलने लगते हैं भाव में प्रवेश होने लगता है भाव को होने लगता है कभी प्रेम के आंसू झलकते हैं कभी वियोग के आंसू झलकते हैं आंखों से कभी भगवान को जोर जोर से पुकारता है अलाप लगाता है कभी ऊंचे स्वर में कीर्तन करता है नाचता है गाता है कभी फूल चुन के लाता है भगवान के चरणों में अर्पण करता है कभी सुंदर भगवान को भोजन बनाता है भोग लगाता है उसके भाव निखरने लगते हैं कभी उदासीन सा बनकर बैरागी सा बनकर और सड़कों पर चला जाता है बाजार में चला जाता है जंगल में चला जाता है नदी के किनारे बैठ जाता है गुम सुमो करके प्रभु की याद में भाव विभोर रहता है ये दूसरे दर्जे का ऊंचा पहुंचा हुआ भक्त है साधन भक्त से ऊपर है तीसरे दर्जे पर प्रेमा भक्ति है कहिए कि प्रथम दर्जा प्रेमा भक्ति का है दूसरा दर्जा भाव भक्ति का है और तीसरा साधन भक्ति का है प्रेमा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है इसी को परा भक्ति कहा है इसी को शुद्ध भक्ति कहा है निर्मला भक्ति इसमें मल नहीं विकार नहीं इस फर्स्ट दर्जे की भक्ति में भक्त रोता है तो संसार के लिए नहीं रोता या इसलिए नहीं रोता कि मेरा मंदिर नहीं बना या मेरा घर नहीं बना या मेरे बच्चा डॉक्टर नहीं बना या कोई दुख से पीड़ित होकर नहीं प्रेमा भक्ति में भक्त का जो महाभाव खिलता है वो परम शुद्ध होता है प्रभु से के दर्शन चाहता है प्रभु से मिलना चाहता है प्रभु से बात करना चाहता है प्रभु को आलिंगन करना चाहता है प्रभु का वियोग सहन नहीं होता है उससे, जलता है जलन पैदा होती है हृदय में बिरह में अग्नि जलता है प्रेमा भक्ति का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण शास्त्रों में गोपियों का दिया गया है श्रीमद् भागवत गीता में सुखदेव गोस्वामी जी व्याख्यान करते हुए उपदेश कर रहे हैं कि प्रेमा भक्ति गोपियों के हृदय में सर्वश्रेष्ठ होती है गोपियां भगवान को नहीं भुला पाती उनके चिंत चिंतन में सदैव चित चोर बसे रहते हैं उनके मनन में माखन चोर बसे रहते हैं उनके निद्रा में नटवर नागर होते हैं उनके कर्मों में कृष्ण कन्हैया होते हैं अष्ट प्रहर प्रभु को नहीं बुला पाते प्रेमा भक्ति में ओत प्रोत होते हैं ये निर्मला होती है ये भक्ति इसमें मल नहीं होता पहली और दूसरे दर्जे की भक्ति में कुछ मल अवशेष रह जाता है दूसरे दर्जे की भक्ति में भी भक्त भाव भक्ति में विचार उठाता है भगवान से प्रार्थना करता है एक बहुत सुंदर तेरा मंदिर बनाना चाहता हूं विशेष खंभों के साथ 108 मार्बल के विशेष खंभे हो तेरे मंदिर में सुंदर गुंबज बनी हुई हो मार्बल की प्रकाशित हो और दिव्य मूर्तियां आपकी मंदिर में विराजमान हो हे भगवान मेरे ऊपर कृपा कीजिए गोविंद मेरे ऊपर कृपा कीजिए मैं आपका मंदिर बनाना चाहता हूं इसमें भी अश्रुपात होते हैं ये भक्त भी साधारण नहीं ये भी श्रेष्ठ भक्त है लेकिन प्रेमा भक्ति बहुत विशेष है जिनको प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है इस संसार में वो नहीं रहते ये देह त्याग कर वो अपने प्रभु को मिल जाते हैं प्रभु की ओर चले जाते हैं प्रभु के धाम में चले जाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं गोपियों का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण प्रेमा भक्ति में दिया गया है गोपियां अपने घर में रहती थी अपनी पतियों के लिए सेवा करती थी बच्चों को पालती थी भोजन बनाती थी गऊ का दूध निकालती थी घर को साफ करती थी पानी भर भर के लाती थी खेतों पर जाके काम करती थी लेकिन उनके चित्त से चोर चित भगवान श्री कृष्ण नहीं उतरते थे सदैव पागल सी बनी रहती थी उनके देखने के लिए लालायित रहती थी उनका कानों में यदि कृष्ण का नाम भी आ जाए तो होश भूल जाती थी ऐसे और भी भक्त हुए हैं बहुत उदाहरण है जिनके कानों में भगवान का नाम भी आ जाए तो महाभाव को प्राप्त हो जाते हैं कोई उनके ऊंच को ऊंचे स्वर में पुकार दे वो महाभाव को प्राप्त हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है सबने वो बड़े प्रकाशमान भक्त थे काली माता के भक्त थे लेकिन उनका नाम तो राम और कृष्ण नाम से संबोधित था जब कोई उनको कोई आवाज देता था राम कृष्ण उनका कोई मिलने वाला साधु महात्मा तो उनको महाभाव आ जाता था अचेतन होने लगते थे कि भगवान राम का और कृष्ण का नाम मेरे कानों में आता है मैं कितना भाग्यशाली हूं कृष्ण ने भी वृंदावन में भक्ति की थी भगवान की गोपी भाव में ही भक्ति की थी उनके विशेष प्रमाण इस बात के और वो गोपी स्वरूपाई हो गए थे प्रमाण मिलते हैं इस बात के कि छ महीने के अंदर भी उनका भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था उनके स्थन उभरने लगे थे गोपियों की तरह स्त्री के जैसे स्तन उभरते हैं गोपी भाव में भक्ति करते थे एक ऐसे संप्रदाय है वृंदावन में जिसमें गोपी भाव में भक्ति होती है तो भक्त कहीं से भी भगवान की भक्ति करना शुरू करे वो उच्चतम शिखर पर पहुंचता है जिस भाव से भी करता है सखा भाव है मित्रवत भगवान को व्यवहार करते हैं लोग दास भाव है बात्सल भाव है माता पिताओं की तरह भगवान को पूछते हैं पालते हैं खिलाते प्रेम करते नाम लेते हैं उनका जैसे माता पिता अपने बेटे का, ठीक वैसे जैसे यशोदा रानी कन्हैया का कान पकड़ के कहती थी बोल कन्हैया सब लोग कह रहे हैं तूने माटी खाई है दिखा मुंह खोल के दिखा भगवान ने दिखाया लेकिन यशोदा माने तो ब्रह्मांड देखा अंदर मुंह में तमाम ब्रह्मांड चांद सूरज नंद बाबा का घर और उसमें तो नंद बाबा बैठे हुए हैं महाभाव मा, में आ गई है, मूर्छा हो गई बुला दिया कृष्ण ने सब कुछ क्या देखा क्या नहीं देखा भगवान ब्रज में मिट्टी खा रहे हैं ये जानकर कि इस ब्रज भूमि में मेरे एक से एक बढ़कर शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं ले रहे हैं आज भी हैं कल भी थे कल भी होंगे आज भी हैं आज भी भगवान के शुद्धतम भक्त वृंदावन गोकुल बरसाना नंदग्राम बहुला बन कदमबन इनमें मिलते हैं और इतने सीधे सरल स्वभाव में मिलते हैं कि आप उनको पहचान में गलती कर देंगे नहीं पहचान पाएंगे शुद्ध भक्त आडंबरी नहीं होता दिखावा नहीं करता ना ही याचक होता ना ही किसी से कुछ मांगता है पैसा या सुंदर वस्त्र जैसा प्रभु सप्लाई कर दे आनंद लेता है बल्कि एक्सेस सप्लाई कर दे तो रिजेक्ट भी करता है कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए मेरे पास है दो कपड़े हैं दो जोड़ी कपड़े हैं पाओ में चप्पल हैं सब आनंद है आप आनंद में रहो भगवान आपको भी प्रसन्न रखें भगवान अपनी भक्ति तुम्हें भी दे आई एम वेरी सेटिस्फाइड प्रेमा भक्ति गोपियों की होती है तो ये दुराचारी व्यक्ति भी चांडाल भी या कोई लेस इंटेलिजेंस वुमेन भी या संसार में व्यापार में फंसा हुआ आदमी भी यहां तक कि वैश्या भी यदि भगवान की शरण लेकर उनका भजन करे भक्ति करे साधन भक्ति में प्रवेश करे बेशक अपना धंधा नहीं त्यागे तब भी भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी शीघ्र ही परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं परम शांति तो भगवान के धाम में मिलती है और कहीं नहीं मिलती भगवान कहते हैं, शश्वत शांति वो सनातन, इटरनल पीस को प्राप्त हो जाते हैं आध्यात्मिक शांति उनके हृदय में व्याप्त हो जाती है या जमीन पर भी और शरीर छोड़ने के बाद भी उनको भगवान का धाम मिलता है क्षिप्रम भावती क्षिप्रम शीघ्र क्षिप्रम भावती धर्मात्मा शीघ्र ही वो चांडाल या वैश्य या दुराचारी महात्मा हो जाता है महान आत्मा महान आत्मा कहते हैं जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है आत्म साक्षात्कार हो गया है उसको महात्मा कहते हैं हर किसी को नहीं सम्मान वेशक सभी को देना चाहिए सम्मान देना तो दैवी गुण है सभी को सम्मान देना चाहिए पशु पक्षियों को भी सम्मान देना चाहिए फिर कोई भगवान की साधना कर रहा है उसको महात्मा कह दो तो इसमें हर्ज नहीं है आपका बढ़प्पन है यहां तक कि किसी ने साधु के कपड़े भी पहन लिए हैं और अंदर से साधु नहीं है तब भी महात्मा कह दो तो आपका बढ़प्पन है आपकी तरक्की है आध्यात्मिकता की ओर और कोई महात्मा भी हो रियल महात्मा और उसको तुम तिरस्कार करो इग्नोर करो या अपना जैसा ही मानो या कोई लालची ग्रीडी पैसे का मानो तो यह हमारा बड़प्पन नहीं है यह हमारा छोटापन है सोचने की बुद्धि कम है हमारे अंदर अहंकार प्रबल है हमारे अंदर इसलिए एक महात्मा को भी हम महात्मा कहने में संकुचित होते हैं सर सुकड़ते हैं नहीं कह पाते क्योंकि जब देखते हैं कि महात्मा ये लंगोटी में घूम रहा है आगे पीछे कुछ है नहीं भोजन की तलाश में डोल रहा है ये फक्कड़ को हम क्या महात्मा कहें या एक गरीब घर गर में रह रहा है अपने बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे खिला पिला रहा है इसको क्या हम महात्मा कहें तो इसमें हम संकुचित होते हैं सुकड़ते हैं छोटे बनते हैं फैलते नहीं फैलेगा तो वही जो सबको सम्मान करेगा सबको आदर सत्कार करेगा सबको प्यार करेगा वो फैलेगा सुखड़ेगा नहीं सुखड़ेगा तो वो जो प्यार की कला नहीं सीखेगा सम्मान देना नहीं सीखेगा किसी को आदर स्वागत नहीं करेगा किसी से बात नहीं करेगा बगल में से मुंह फुला के निकल जाएगा और सुकड़ेगा भगवान के भक्त कमल के फूल की तरह खिलते हैं हृदय में भी और चेहरे पर भी नेत्रों में भी भगवान के भक्तों के जो वैरी हैं मुंह फुलाए हुए रहते हैं अहंकार में रहते हैं नजरों में क्रूर क्रूरता समाई हुई रहती है हृदय में धूर्तता समाई रहती है वो सुकड़ चुके हैं उनका पतन संभव है उनको दुख तकलीफ है घेरने वाली हैं घेरे हुए हैं वो सुखी नहीं है वो अपने मन में ही बुद्धिमान बनते हैं वो उनकी मर्जी है भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे सुदामा बड़े गरीब थे ब्राह्मण थे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे लेकिन दरिद्र थे घर में कुछ नहीं है उसको दरिद्र बोल देते हैं। खाने को भी अन्न नहीं था पहनने कोई वस्त्र नहीं थे टूटी सी एक छपरा था उसमें रहते थे पत्नी थी उनकी एक सुशीला बच्चों का प्रमाण तो मुझे नहीं मिला कहीं पत्नी थी अभी इतने ये शुद्ध महात्मा थे भगवान के भक्त थे कि भगवान इनको आलिंगन करके अश्रुपात करने लगे अभी ऐसे छुपे हुए महात्मा आदरणीय नहीं, नहीं है तो कौन है फिर जिनको आत्मज्ञान है वो तो वृक्षों को भी सम्मान करते हैं वृक्षों की जड़ों को अपने हाथ से छूकर सर के लगाते हैं ये समझ के कि मेरे परमात्मा इस वृक्ष के अंदर भी है सुदामा जी तो बड़े गरीब थे और कुछ समय उन्होंने ऐसा निकाला कि एक व्रत ले लिया उस व्रत का नाम है ययाचिक व्रत याचिक व्रत का मतलब ही यह है कि याचना नहीं करना किसी भी वस्तु की किसी से भी लेने की याचना नहीं करना मांगना नहीं तो बड़ी और भी गरीबी हालत होगी आखिर एक दिन काफी भूखा था परिवार उनका दो दिन से घर में है कि तुसी अपने बच्चे दे भविष्य बारे चिंतित हो या जानना चाहते हो कीडी फील्ड जो है ओदा भविष्य रोशन ओ बनेगा डॉक्टर इंजीनियर सिंगर मॉडल या कुछ और डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस द्वारा तुसी पता लगा सकदे हो कीडी फील्ड जो है तोडा बच्चा माहिर आवर साइंटिफिक मेथड्स विल हेल्प यू टू मिनिमाइज टाइम एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट पर्सनलाइज एकेडमिक